लोगों को लाभ मिल रहा है। जिले से कई लोग योजना से लाभ लेकर मोतियाबिंद का मुफ्त में ऑपरेशन कराकर काफी खुश हैं। लाभुकों की माने तो निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 20 से 25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। आयुष्मान योजना के जरिए उनका ऑपरेशन निःशुल्क हो रहा है। कुमार नेत्रालय में आए हैं, यहाँ आयुष्मान भारत का आँख बनता है, अच्छा से आँख बनता है, कहीं कोई तरह से दिक्कत नहीं है। PMJAY से जुड़े निजी अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर नीतीश कुमार का कहना है कि उनके अस्पताल में प्रतिदिन आयुष्मान योजना के तहत मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एडवांस फेको मशीन से लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे आंखों में अच्छी रोशनी आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, लगातार आ ही रहे हैं, 5-6 ऑपरेशन आज भी हो रहा है। हम दुनिया का सबसे अच्छा मशीन सेंचुरियन विजन सिस्टम से हो रहा है, बाहर के बिना सुई लगाए किया जाता है। जो ऑपरेशन प्राइवेट में 15,000-20,000 खर्च होता है, उसको आयुष्मान योजना के अंतर्गत यहाँ मुफ्त में किया जा रहा है। नालंदा के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों का कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के तहत मोबाइल पर भी लोग कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर आयुष्मान ऐप के जरिए कार्ड हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक नालंदा जिले में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों का कार्ड बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना में अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी तक कार्ड बनाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले हम लोग किसी खास एजेंसी के थ्रू बनवाते थे, जैसे वसुधा केंद्र के मार्फत या और भी। तो अभी अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत जो हाल ही में लॉन्च हुआ है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, उसके बाद अब आप अपने मोबाइल पर डायरेक्ट भी कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान ऐप अपने यहाँ डाउनलोड करें और उसमें जो प्रक्रिया है अपनी बताई गई है उसके अनुसार आप अपना कार्ड खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे भी हमारे यहाँ कार्ड बनने का जो है ठीक है, 3,15,000 से ज़्यादा लाभार्थी का कार्ड हम लोग बना चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सुविधा दी जा रही है। इस योजना से मरीज अपनी आँखों का भी ऑपरेशन करा रहे हैं और उन्हें नई रोशनी भी मिल रही है। नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और फिलहाल यहाँ